भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि ओम मैं स्वयं हूँ। उन्होंने इसे अपने अस्तित्व का प्रतीक माना है और कहा है कि जो व्यक्ति ओम का सच्चे हृदय से जाप करता है वह मुझे प्राप्त कर सकता है। ओम एक प्राचीन और पवित्र ध्वनि है जिसे हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और अन्य धर्मों में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह संस्कृत भाषा का शब्द है और इसे ब्रह्मांड की मूल ध्वनि माना जाता है। इसे अनाहत नाद या बिना किसी आघात के उत्पन्न ध्वनि के रूप में माना जाता है, जो सृष्टि की शुरुआत का प्रतीक है। ओम को अक्सर तीन ध्वनियों में विभाजित किया जाता है, अ, उ और म, जो मिलकर ओम बनाते हैं। ओम का निर्माण तीन ध्वनियों से होता है। पहला अ, यह ध्वनि मुंह के शुरुआती हिस्से से निकलती है और इसे सृष्टि या ब्रह्मांड के जन्म का प्रतीक माना जाता है। दूसरा उ, यह ध्वनि गले के बीच से आती है और इसे जीवन की स्थिरता या सृष्टि के पालन पोषण का प्रतीक माना जाता है। तीसरा म, यह ध्वनि मुंह के अंतिम हिस्से से आती है और इसे सृष्टि के नाश का प्रतीक माना जाता है। इन तीनों ध्वनियों का सम्मिलन ओम को ब्रह्मांड की पूर्णता, जागृति और अनंत ऊर्जा का प्रतीक बनाता है। ओम का जप करने से मन शांत होता है और ध्यान की गहरी अवस्था में प्रवेश करने में सहायता मिलती है। यह ध्यान को बेहतर बनाने में मदद करता है। नियमित रूप से ओम का उच्चारण करने से शरीर और मस्तिष्क में शांत और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे तनाव और चिंता कम होती है। ओम का जाप करने से शारीरिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह दिल की धड़कन को नियमित करता है और रक्तचाप को नियंत्रित करता है। ओम को ब्रह्मांड की ध्वनि के रूप में माना जाता है, इसलिए इसका नियमित उच्चारण आत्म जागरूकता और आत्मज्ञान की भावना को जागृत करने में मदद करता है। ओम के उच्चारण से शरीर और मस्तिष्क के बीच सामंजस्य स्थापित होता है, जिससे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में संतुलन आता है। ओम का जाप एक साधारण प्रक्रिया है, लेकिन इसके प्रभाव गहरे और व्यापक है। यह मन, शरीर और आत्मा को शांति और संतुलन प्रदान करने में मदद
करता है। ओम शब्द की उत्पत्ति और निर्माण के पीछे एक गहरी आध्यात्मिक और पौराणिक कहानी जुड़ी हुई है। यह हिंदू धर्म, योग और वैदिक परंपरा में ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसकी अंतर्निहित ध्वनि के रूप में वर्णित है। इसका निर्माण ब्रह्मांड के निर्माण से जोड़ा जाता है और इसे सबसे पवित्र ध्वनि के रूप में जाना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में सृष्टि की उत्पत्ति और ओम की शुरुआत को लेकर अनेक कथाएं हैं। एक प्रमुख कथा के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले, सृष्टि की शुरुआत से पहले केवल शून्यता थी, जिसमें न कोई स्थान था, न ही समय और न ही कोई पदार्थ। यह अवस्था पूर्ण अंधकार और सन्नाटा की थी। उस समय केवल परब्रह्म यानी सर्वोच्च शक्ति का अस्तित्व था, जो अनंत और अव्यक्त था। यह परम ब्रह्मा बिना किसी रूप या गुण के थे। सृष्टि का प्रारंभ। जब परम ब्रह्मा ने सृष्टि की इच्छा की, तब एक ध्वनि उत्पन्न हुई। यह ध्वनि थी ओम। यह ध्वनि ब्रह्मांड की पहली और सबसे मूल ध्वनि थी, जिसे अनाहत नाद कहा गया। एक ऐसी ध्वनि जो किसी दो चीजों के टकराने से उत्पन्न नहीं होती, बल्कि अपने आप से प्रकट होती है। ओम इस ध्वनि से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। ओम इन तीनों शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है, सृजन, संरक्षण और विनाश, जो ब्रह्मांड के चक्र का हिस्सा है। वेदों और उपनिषदों में वर्णन। ओम का वैदिक साहित्य में प्रणव के रूप में भी जाना जाता है। यह सभी मंत्रों का मूल है और कहा गया है कि यह मंत्रों का बीज है। उपनिषदों में इस परम सत्य और आत्मा की आवाज कहा गया है। मुंडक उपनिषद में कहा गया है कि जो व्यक्ति ओम का सही ज्ञान प्राप्त करता है, वह ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को जान सकता है। मांडुक्य उपनिषद में ओम को विस्तार से वर्णित किया गया है, जहां इसे जागृत अवस्था यानी कि वैकरी, स्वप्न अवस्था यानी कि मध्यमा और गहरी निद्रा यानी पश्यंती के तीन पहलुओं से जोड़ा गया है और अंततः इसे तुरिया नामक चौथी अवस्था से भी जोड़ा गया है, जो पूर्णता और मुक्ति की अवस्था है। ओम के आध्यात्मिक महत्व की कहानी। अनहत नाद। ओम को ब्रह्मांड की अनहत ध्वनि माना जाता है, जिसे सृष्टि के हर कोने में सुना जा सकता है। यह ध्वनि अनंत है और इसे ध्यान और साधना के माध्यम से अनुभव किया जा सकता है। जब साधक ओम का उच्चारण करता है, तो वह खुद को ब्रह्मांड से जोड़ता है।
और उस अनहद ध्वनि को महसूस करने लगता है जो हर जीव और पदार्थ में विद्यमान है। शिव और शक्ति। कुछ पौराणिक कथाओं में ओम को शिव और शक्ति का मेल कहा गया है। शिव सूर्यजन की निष्क्रिय शक्ति है, जबकि शक्ति उस शक्ति का सक्रिय रूप है। जब दोनों का मिलन होता है तो ओम ध्वनि उत्पन्न होती है, जिससे सृष्टि की शुरुआत होती है।